हेलो दोस्तों, थैंक यू जो आपने पहले वीडियो को इतना अच्छा सपोर्ट किया। आज हम देखेंगे जिम को कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर हम जिम पे जाएंगे, gym.gov.in पे जाएंगे और लॉगिन नहीं करना है, हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखनी है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे रिसोर्स के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है, तो टर्म्स एंड कंडीशन हम पढ़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे हम सेलर का पहले देखेंगे, हम बायर का भी देखने वाले हैं, बट थोड़ी देर के बाद, अगले वीडियो में हम पक्का उसको डिफाइन करेंगे। अब हम देख सेलर अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आपको कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम दिया है। एक्चुअल जिम किस बेसिस पे काम करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस शीट में मिल जाएगी। दैट्स कॉल्ड अ कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम। पढ़ने की जरूरत अगर आपको लगी तो ये आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में आपको ये वीडियो सबमिट करूंगा, जहां पे आपको पूरा जिम Q1, Q2, Q3 एंड Q4 के अंदर डिवाइड है। अब ये चारों क्वाड्रेंट क्या है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है Q1, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट वन। इसके अंदर क्या है, टू बी प्रोक्यूर डायरेक्टली फ्रॉम OEM ओनली, मतलब यहाँ पे सिर्फ OEM ही चीज़ें बेच सकता है। अगर OEM ही चीज़ें बेच सकता है, अब ये OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ये OEM का फुल फॉर्म है। जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वही इस Q1 कैटेगरी के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट यहाँ पे आपको दिखेंगे। अप्रूवल ऑफ द कैटलॉग ऑन अ जेम टीम, मतलब जेम टीम जब भी कोई आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो जेम टीम उसको अप्रूव करेगी। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसको अप्रूव करेगी, और कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिसको अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप OEM कैटेगरी के अंदर है और इसके अंदर आपके पास में सब ये सारी चीज़ें हैं, ट्रेडमार्क है, आपने QCI से पूरा वेरीफाई करके लिया है, ये सारी चीज़ें अगर है, तो आपको जेम कैटलॉग के अंदर जेम टीम को अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नो है, मतलब जैसे ही आपने प्रोडक्ट कैटलॉग बनाया, जैसे ही पब्लिश किया, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाता है, पेंडिंग नहीं पड़ता जेम के अप्रूवल के अंदर। ये पेंडिंग कैसे पड़ता है, ये हम कैटलॉग जब बनाएंगे तो आपको दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे Q1 कैटेगरी के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर आपको दी गई है। अब आते हैं Q2 के अंदर। Q2 के अंदर जो है क्वाड्रेंट टू, इसके अंदर क्या है, OEM भी कैटलॉग बना सकता है, और जो कैटलॉग OEM ने बनाया है और जिसको उसने, मतलब OEM ने प्री अप्रूवल रीसेलर डिक्लेयर किया है, वो बंदा, मतलब रीसेलर जिसको OEM ने अप्रूव किया है, उस कैटलॉग को चेंज कर सकते हैं, उसके प्राइस बदल सकते हैं। रीसेलर कैटलॉग नहीं बनाएंगे यहाँ पे, सिर्फ OEM ही कैटलॉग बनाएगा। इसके अगर वो देखेंगे इसके बेनिफिट क्या है, तो सेम यहाँ पे अगर OEM है तो आपको जेम का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अनब्रांडेड में है, जब ट्रेडमार्क आपके पास नहीं है, तब आपको OEM से, मतलब सॉरी जेम से, आपको इसका प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। या फिर प्राइस बदल के आप अगर प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपको अप्रूवल के लिए जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको नॉर्मल आइटम्स, अब ये चीज़ क्या है बताते हैं। अगर आप OEM रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप इसके अंदर कैटलॉग बना सकते हैं, मतलब ये Q3 कैटेगरी, अगर आपके पास में OEM पैनल नहीं है तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम जितने भी सेलर्स हैं वो Q3 के अंदर ही डील करते हैं। इस Q3 को, कैटेगरी को हम बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। Q3 में हम कैटलॉग कैसे बनाएंगे, नया कैटलॉग कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। इसके अंदर आपको, अगर आप यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, तो आपको कैटलॉग जेम का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नो नो लिखा है। बट अगर आप अनब्रांडेड हो, आपका कोई रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, तब अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको यहाँ पे जेम का कैटलॉग आपको वेरिफिकेशन के लिए जाएगा ही जाएगा। अनब्रांडेड भी है, OEM भी है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको यस यस जो लिखी है, तो वो सारी चीज़ें जेम पे जाएंगी अप्रूवल के लिए।
एंड देन Q4 भी सेम ही है, जैसे Q3 वर्क करता है वैसे ही Q4 यूज़ करता है। बट कॉर्डन 4 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कोई खादीग्राम उद्योग हुआ या हैंडमेड जितने पैंडलूम हुए, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट जो बेचे जाते हैं तो वो Q4 कैटेगरी के अंदर आते हैं। Q5 की भी कैटेगरी अवेलेबल है, बट वो हम जैसे कोई प्रोडक्ट उसका बनाएंगे तो जैसे जूट बैग हुआ, दैट्स कॉल्ड, वो अंडर Q5 में आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी और वो हम देखेंगे। सेम यहाँ पे भी है, अगर आप OEM हैं, आपके पास में ट्रेडमार्क है, तो आपको जेम का पेंडिंग अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नो नो लिखा है। बट अगर ये सारी चीज़ें हैं, आप OEM हो बट अनरजिस्टर्ड हो, अनब्रांडेड हो, तो रीसेलर हो, तो आपको ये सारी चीज़ों का प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम 4 क्वाड्रेंट में डील करते हैं और उसमें से मैक्सिमम सेलर, मैं बोलूँगा मैक्सिमम मतलब 30% ही OEM कैटेगरीज के प्रोडक्ट सप्लायर अवेलेबल है, बाकी 70-80% जितने भी वेंडर्स हैं वो Q3 में और Q4 में ही डील करते हैं। बहुत सारे वेंडर ऐसे होते हैं कि जो मुझे पूछा करते हैं कि भाई हम OEM पैनल ले लें, तो मैं उनको कहूँगा कि OEM पैनल लेना है तो ये बेनिफिशियर तो काम होगा, बट वो किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी बात समझनी है। आने वाले वीडियो में हम चारों क्वाड्रेंट के अंदर कैसे बिड बनती है, कैसे बिड बनानी चाहिए, बिड के कितने टाइप है, ये हम देखेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।